हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप लोग पढ़ाई? बढ़िया, आशा करता हूँ बढ़िया ही चल रही हो। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है, इसमें हम डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को ड्रा करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जैसे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम पढ़ेंगे पैराबोला, इलिप्स, सर्कल एंड हाइपरबोला। ठीक है, ये तो हो गए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, और तीन ग्राफ ड्रा करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री के, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनके ग्राफ्स को ड्रा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या है, स्ट्रेट लाइन कहते किसे है? जब इक्वेशन में पावर जो होता है वो वन होता है, तब उसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन। जैसे देखो, वाई इक्वल टू, अगर मान लो एक्स प्लस टू है, देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितना है? वन है। नहीं, यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, लेकिन अगर मान लो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू रहता है, तो वो जो दो पावर हो जाता है उसमें, उसको हम पैराबोला कहते हैं। ठीक है, वो हम करेंगे बात उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक इंटरसेप्ट फॉर्म में और एक दूसरा है पॉइंट फॉर्म में। मतलब पहला तो इंटरसेप्ट फॉर्म में है और दूसरा क्या है? पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे होता है? देखो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो, सेम इसी चीज को यहां लिखता हूं, वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। तो ये जो सामने है वन है, ये कहलाता है स्लोप। एम क्या कहलाता है बेटा? स्लोप, जो तुम पढ़े हो, और दैट इज इक्वल टू टैन थीटा। क्या मेरी इतनी बातें समझ में आ रही है? और सी जो है ना, वो है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन व्हाट? ऑन वाई एक्सिस। ये इंटरसेप्ट किस पर है? वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो कैसे समझो इस चीज को। जैसे मान लो ये इस तरह से वाई एक्सिस, ठीक है, ये क्या है? वाई एक्सिस। और ये क्या है प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये तो ओरिजिन है। ठीक है, मान लो, सपोज करो तुम इसका ग्राफ ड्रा करोगे वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू का। वैसे तो हमें इसका ग्राफ का नेचर पता है, मैं डायरेक्ट ड्रा कर सकता हूँ इसको, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि इसके टर्म में अगर इसको तुमको ग्राफ को ड्रा करने के लिए बोला जाए तो तुम कैसे ड्रा करोगे? ठीक है, तो इसको ड्रा करने के लिए तुम क्या करते हो? दो टेबल बनाते हो, नहीं? सिंपल सा, ओके। और दो टेबल बना करके, एक तो एक्स का, एक वाई का। तो एक्स इक्वल टू जीरो डालते हो तो वाई क्या होता है? टू। एक्स इक्वल टू वन डालते हो तो वाई कितना होता है? थ्री। एक्स इक्वल टू माइनस वन डालते हो तो क्या होता है? वाई इक्वल टू वन। एक्स इक्वल टू माइनस टू क्या होता है? वाई इक्वल टू जीरो। तो मतलब इस तरह से ग्राफ जो है ना, तुम देखोगे कि अगर इसका पर्टिकुलर वैल्यू अगर लो तो ये एक्स इक्वल टू जीरो पर वाई की वैल्यू कितनी हो रही है? टू। तो मान लो, सपोज करो ये वन है, ये टू है। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे स्ट्रेट लाइन पास करेगा। ठीक है, तुम ग्राफ ड्रा के देख करके देखना, हम जनरल ग्राफ बना रहे हैं, तो इसलिए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा, ये वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होगा ये होगा। अब देखो इसमें सी कौन है? ये चीज। ठीक है, और वो निकलता है कैसे? जैसे ही तुम एक्स की वैल्यू जीरो डाल दिया ना, तो वाई पर कितना डिस्टेंस होगा वो पता चल जाता है, नहीं? तो ये सी जो है, इसी को कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं बेटा? इंटरसेप्ट, ओके। और ये जो होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कहा था मैंने आपको, इसको क्या कहते हैं? ये जो थीटा है, इसको अगर हम एम इक्वल टू टैन थीटा के फॉर्म में लिख दे तो ये क्या देगा आपको बताइए मुझे? स्लोप देगा। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही? तो अब इसके डिफरेंट इक्वेशन होंगे तो डिफरेंट ग्राफ भी होंगे। जैसे इक्वेशन मान लो, सपोज करो हम यहां पर y इक्वल टू, इसी के अंदर y इक्वल टू एम एक्स करते हैं, जस्ट c नहीं लेते, तो y एक्सिस पर कोई इंटरसेप्ट ही नहीं है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ मुझे? ये इस तरह से पास करेगा, y y डैश x डैश x, और ये ग्राफ, ये इक्वेशन जो पास करेगा इससे, ओरिजिन से। क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है? y इक्वल टू एम एक्स, ओके। तो ये किससे पास करेगा वो बताओ मुझे? ओरिजिन से, जीरो है, ओरिजिन से पास करेगा। अब हमें मान लो, सपोज करो ये पहला है ए है, ओके, इंटरसेप्ट फॉर्म का वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अगर मान लो हम यहां पर वाई इक्वल टू प्लस एम एक्स माइनस सी ले, तो इससे क्या पता चलता है तुमको? थोड़ा सा इक्वेशन पढ़ाओ, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और ए बी पॉइंट पढ़ाओ, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। माइनस सी से क्या आपको पता चल रहा है वो बताइए मुझे? माइनस सी से ये पता चल रहा है कि वाई का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा।
ये पॉजिटिव हो रहा था, अब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का क्या मतलब हो गया, वाई कहाँ नेगेटिव होता है, नीचे, वाई वाई डैश एक्स डैश एक्स, ठीक है, ये ऐसे। क्या मैं बात समझ में आ रही, मतलब स्लोप तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, ये एमिकल, ये तो ठीक थीटा होगा, एंटी क्लॉक वाइज जो लेते हैं, और वही जो है वो टैन थीटा जो देता है वो पॉजिटिव स्लोप देता है। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही या नहीं, और इंटरसेप्ट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस सी, ये इंटरसेप्ट। क्या इतनी बातें क्लियर है या नहीं है, वाई एक्स पे माइनस सी है यहाँ पर, ये नेगेटिव इंटरसेप्ट, ओके, ये क्लियर हो रहा है या नहीं, ओके, इतनी बातें तो समझ में आ गई होगी। अब चलो, अगर मान लो हम माइनस के फॉर्म में आए यहीं पर, ये जो है इंटरसेप्ट हमने अभी लिया था पॉजिटिव, तो नेगेटिव ले लिया, अगर मान लो हम स्लोप को नेगेटिव ले लिए, ठीक है, तो इसको रफ करो या फिर इसी में ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये बी बनाओ और इसी में ड्रॉ कर लो, ये मान लो बी है, ठीक है, और ये माइनस है और ये प्लस है, मतलब सी जो है ना इंटरसेप्ट है पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये अगर माइनस तुम लोगे तो यहाँ पर देखोगे सारा चीज तुम्हारा जो होगा, जैसे एक्स जीरो ले रहा है तो वाई तो टू ही रहेगा, ठीक है, इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे वैल्यू जो है ना चेंज होने लगेंगे, जैसे ये एक्स जब वन ले रहे थे तो ये कितना हो जाएगा, ये बताओ, वन हो जाएगा, नहीं, माइनस प्लस में से, प्लस टू में से माइनस वन जाएगा तो वन हो जाएगा, और ये माइनस वन लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये थ्री हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस टू अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये फोर हो जाएगा। मतलब कहने का एक बात तो समझ में आ रही है कि वाई का जितना भी वैल्यू आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब देखो इसको, अगर इसको एक काम करो, इसी में ठीक रहेगा, थोड़ा सा कंट्रास्ट समझने में आया, दूसरे कलर से कर देता हूं मैं। देखो ये जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा, जाएगा तो यहीं से, लेकिन ऐसे जाएगा क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, और ये जो स्लोप है नेगेटिव कैसे पता चल रहा है, बता, थीटा क्या है, 90 से बड़ा है, और टैन थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन है 90, ठीक है, ये बातें समझ में आ रही है इतनी। तो y इक्वल टू हमें माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ये समझ में आ गया, y हमेशा पॉजिटिव होगा, ये इस बात से समझ में आ रहा है क्योंकि यहाँ हमेशा पॉजिटिव तो नहीं, मतलब इस जो हम पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट जो ले रहे हैं इस पर पॉजिटिव होगा, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू हम ले रहे हैं ना प्लस जीरो ये सब, अच्छा इससे आगे थोड़ा सा और वैल्यू ले लो, एक्स की वैल्यू मान लो टू से तुम बड़े लोगे, माइनस फाइव एक्स की जगह पर प्लस फाइव ले लो तो माइनस थ्री हो जाएगा, नहीं तो माइनस, अगर प्लस फाइव लोगे एक्स का तो माइनस थ्री हो जाएगा, तो ये तो इस क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा ना, पॉजिटिव हमेशा जीरो, जब टू से बड़े क्वांटिटी को तुम लोगे या माइनस नेगेटिव लो, मतलब माइनस लोगे तो उस केस में ये पॉजिटिव देगा, बाकी सब में तो वो नेगेटिव ही दे सकता है वाई का वैल्यू, ओके, ये बात समझने वाली थी कि 90 से जो बड़ा एंगल होता है तो स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है या नहीं, ओके, तो अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो इसी चीज को, ये बी था, बी तो पहले ही था, सी ये है, ओके, अब हमें मान लो डी ग्राफ ड्रा करना है यहीं पर, ठीक है, यहां पर अगर मान लो ये एम एक्स है, ये स्टार के केस में ले रहा हूं मैं, माइनस ले रहा हूं, ठीक है, सी को हमने जीरो कर दिया और माइनस का केस है, तो अब ग्राफ कैसे होगा बताओ मुझे, ऐसे नहीं, इस तरह से होगा कि नहीं, और थोड़ा ग्राफ बना करके याद रखना है तुमको, और अगर मान लो तुम यहां से लोगे माइनस एम एक्स और माइनस सी, ठीक है, ये इंटरसेप्ट भी नेगेटिव और स्लोप भी नेगेटिव, क्या मेरी बातें समझ में आ रही, तो स्लोप अगर नेगेटिव होगा तो ऑफकोर्स ये जो है ना इस तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, तो अब देखो इसका क्या होगा, प्यारे बच्चों समझ में आ रही है या नहीं बात है, ये है और माइनस एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी, क्या हमें इतनी बातें क्लियर है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये हमें ए बी सी डी, ठीक है, ये इस तरह के फोर इक्वेशंस हो गए, नहीं, अब जब मान लो ये अगर माइनस सी प्लस सी हो जाए, अगर ये माइनस सी मतलब ये स्लोप अगर माइनस एक्स और प्लस सी हो जाए तो ये तो चीज यहाँ आ ही गया, ठीक है, मतलब तुमने इसको यहाँ पर रख दो तो तुमको एक इक्वेशन ऐसे एक ऐसे निकल के मिल जाएगा, मतलब फोर इक्वेशंस तुमको मिल जाएंगे इसके स्ट्रेट लाइन, ठीक है,
तो इसको अगर चाहो तो तुम इकट्ठा इस इक्वेशन को लिख सकते हो, y इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस c, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन बनाते रहो किस केस की तरह, जैसे तुमने एरर में बनाया था। समझ वाली बात इतनी? तो अभी रफ करते हैं, और इंटरसेप्ट वाली बातें तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। इस पर एक क्वेश्चन करोगे तो तुमको क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और पॉइंट वाला भी इक्वेशन लिखते हैं, ओके। प्यारे बच्चों देखिए एक प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। हमारे प्यारे बच्चों एक प्यारा सा क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्या है, एक ना वाई एक्सिस है ये, अच्छा एक वाई एक्सिस है, एक ही होता है, ठीक है सर, और ये एक्स एक्सिस है, ओके। अब मान लो, सपोज करो ये जीरो है और इससे इंटरसेप्ट जो है वो फोर है यहाँ, और एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन जो स्ट्रेट लाइन है उसका है वो कितना है 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिया हुआ है, और इंटरसेप्ट जो है वो फोर है। हमें ये बताना है, इसको क्या कहते हैं सी, हमको ये बताना है कि इक्वेशन क्या होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो देखो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, एम एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हमें c के जगह पर वैल्यू जो है ना वो क्या है 4 है, तो m यहाँ एंगल कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा tan थीटा और tan 45, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, m इक्वल टू 1, ओके। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m के जगह पर हम क्या लेंगे 1 इंटू एक्स प्लस सी 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4। क्या इतनी बातें समझ में आ रही, मतलब सिंपल सा इक्वेशन है, जो एंगल इंक्लाइनेशन का दिया हुआ है उससे हम स्लोप निकालेंगे, इंटरसेप्ट वैल्यू रख देंगे। अब मान लो सपोज करो, अभी एक नंबर में देखा था इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन था, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन स्ट्रेट लाइन लिख लो पूरा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू टू डिफरेंट पॉइंट्स, अगर दो डिफरेंट पॉइंट से पास करे तब क्या होगा, डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर दो डिफरेंट पॉइंट से पास करे, सपोज करो कि ये स्ट्रेट लाइन है ऐसे, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, ये तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है सर, ये चलो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन अभी पास कराते हैं। देखो ये इस तरह का स्ट्रेट लाइन है, ओके, और ये स्ट्रेट लाइन जो है दो पॉइंट से, जैसे ए इक्वल टू है यहाँ पर, पहले तो ए यहाँ लिख लो एक्स वन वाई वन है, और बी जो है ना वो बी से ए कितना है एक्स टू वाई टू, इनसे पास कर रहा है, क्या हमें इतनी बातें समझ में आ रही। तो हमें ये बताना है कि इसका इक्वेशन क्या होगा, हालांकि आता तो वहीं से है ये डेरिवेशन, बट तुमको ज्यादा उतना डेरिवेशन वगैरह माथा फोड़ी नहीं करनी, जस्ट इक्वेशन लिखना है। देखो y माइनस वाई वन फर्स्ट क्वाड्रेंट इक्वेशन के y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और y टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे हम x माइनस एक्स वन, ठीक है। तो ये तुम इसको मैनिपुलेट करोगे, सॉल्व करोगे, इक्वेशन मिलेगा। अब चलो इस पर एक क्वेश्चन बना लो, वो क्वेश्चन जाने से मतलब है, देखो यहां पर मान लो सपोज करो कि दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहां पर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू तो अगर ये पास करता हो, कहाँ से पास करता हो, 3 0 एंड ओके एंड 2 2 इनसे पास कर रहा हो, तो हमें इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का निकालना है। चलो देखो, रखो वही वैल्यू, देखो ये पहला मान लो है पॉइंट, तो y माइनस वाई वन जीरो, यहाँ पर y1 कितना है, चलो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये x1 है ये y1 नहीं, और ये क्या है x2 है ये y2 है, ओके। तो अब लिखो y माइनस जीरो इक्वल टू क्या होगा बताओ मुझे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू x माइनस ये देखो इधर
एक्स वन, ठीक है, जस्ट यही इक्वेशन डाल दी मैंने इसमें, ओके। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अपॉन माइनस वन एक्स माइनस थ्री, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टू, और इसमें इसको मैनिपुलेट करो 2x प्लस सिक्स, ओके, तो y प्लस 2x इक्वल टू सिक्स। क्या हमें इतनी बातें क्लियर है तो बताएं, क्लियर है ना? तो ये सब चीजें अगर आपको समझ में आ गई बातें, ओके क्लियर है, तो स्ट्रेट लाइन आपका क्लियर है, ठीक है। अब ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है, ये जब इक्वेशन हम लिखेंगे ना काइनेमेटिक्स में, ज्यादातर इसके इक्वेशंस आते हैं, तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पैराबोला, इसको रफ करते हैं, पैराबोला का कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है। व्हेन पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन, ये व्हेन पावर ऑफ द इक्वेशन लिखा हुआ है ना, यहाँ कर लो मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ द इक्वेशन इज टू, देन ग्राफ सो ऑब्टेन इज नोन एज पैराबोला। देखो होता है क्या है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। अब इसका तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, तो देख लो एक बार, इसको ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी सब मैं लिख दूंगा, ओके। अब कॉनिक सेक्शन में इसके डिटेल्स में तुम पढ़ोगे, लेकिन ग्राफ जाना जरूरी है। एक्स है, ये वाई है, एक्स जीरो है तो वाई जीरो होगा, एक्स वन है तो वाई भी वन होगा, और एक्स माइनस वन है तो क्या होगा, वाई भी वन होगा, और एक्स टू है तो क्या होगा, वाई फोर होगा। मतलब कहने का y हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इवन पावर होता है तो x की कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है, इवन पावर है तो वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी ही देता है, तो ये माइनस टू है तो ये कितना हो जाएगा, फोर होगा। देखो इसको समझो, यहाँ पर ये है प्यारे बच्चों, मेरे होनहार छात्र एवं छात्रा है, देखो इधर ये x है, ये x डैश है, जब तुम इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो ये हमेशा ऐसे आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जिस पर पावर कम होता है, ठीक है, जिस पर पावर कम होता है उसी साइड पैराबोला क्या होता है, ओपन होता है। इंडिया में डेमोक्रेसी है ना, तो यहाँ पर जितने भी बाद में वो जो भी करें, लेकिन जितने भी नेता होते हैं वो गरीबों की राजनीति करते हैं, मतलब उनका झुकाव उधर होता है जिसके पास पावर, पैसे कम होते हैं, ठीक है, मतलब पावर कम होता है, पैसा भी एक तरह का पावर ही है, ठीक है, बहुत तरह के पावर कहते हैं, जैसे बोलने की पावर, किसी को इम्प्रेस करने का पावर होता है, ठीक है, शक्ति मतलब हेल्थ, ताकत का पावर जिसको बोलते हैं, बॉडी मसल्स पावर्स जिसके पास है, आवाज़ की पावर, बोलने का पावर, मतलब कुछ आदमी ना वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, तुमको 10 मिनट के अंदर इतना इम्प्रेस कर देगा ना, वो तुम्हारा, तुम उसका भक्त हो जाओगे, ठीक है, तो उसको बोलने की पावर बोलते हैं। दूसरा होता है जैसे हेल्थ की पावर, मसल्स पावर, शक्तिशाली जिग्गा पलमान है ऐसा, और तीसरा पावर क्या होता है, पैसे की पावर, वो भी एक तरह का पावर ही है, ठीक है, एक पोस्ट का पावर होता है, पद होता है, ठीक है, जैसे कलेक्टर है, पढ़ा लिखा तो इंसान है ही, लेकिन हो सकता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में विद्वान नहीं हो, लेकिन उसके पास पोस्ट है उस एरिया में, हो सकता है कोई विद्वान हो, जानकार हो, अच्छा वक्ता भी हो, अच्छा सब्जेक्ट पर पकड़ हो, लेकिन वो उस पद का जो है उसका पावर इस्तेमाल कर सकता है, तो एक पोस्ट का पावर, मतलब इस तरह के चार पावर्स बताए जाते हैं, ओके। तो यहाँ पर समझाने का ये कोशिश कर रहा हूँ, जिधर पावर कम होता है नेता लोग का झुकाव क्या होता है, उधर ही होता है, वोट लेते समय, वोट लेने के बाद ज्यादा पावर, मतलब ज्यादा पैसे वाले की तरफ झुकाव हो जाता है, समझ में आ रही बात है। तो ये जो है ना ऐसे ही है, मतलब पैराबोला उधर की तरफ ओपन होगा जिधर पावर कम है, तो वाई पर पावर देखो कम है तो उधर ओपन होगा। अब देखो इसी में अगर मान लो तुम दूसरा केस लो, ये पहला है, अगर दूसरा केस तुम लेते हो, ठीक है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, अब सिंपल माइनस लगा हुआ है तो ये चीज क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं इसी में बना देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ इस तरह से आ जाएगा, तो इसको कहते हैं पैराबोला ओपन्स अप और दिस इज ओपन्स डाउन, ठीक है, ये माउथ कहलाता है पैराबोला का, ओके, इस तरह से डाउन हो गया, क्योंकि यहां पर देखना जितने भी माइनस लगा हुआ है ना, तो तुम पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव आएगा, और सबके सामने माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये सब माइनस आ जाएगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, समझ में आ रही बात है इतनी। अब मान लो, सपोज करो कि हमें तीसरा, हमने इक्वेशन लिया वाई, यहां पर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, समझ में आ रही बात है, सिंपल सा ग्राफ समझ लो, देखो अगर मान लो वाई स्क्वायर हो जाएगा, हम यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, देखो लेकिन इसमें कंबो कर देंगे, देखो y x इक्वल टू वाई स्क्वायर, मैं क्या कर रहा था,
कि जिधर पावर कम है उधर माउथ ओपन होगा। तो देखो ये एक्स, ये एक्स डैश, माउथ इधर की तरफ, ये वाई है, ये वाई डैश है। क्या मेरी बातें समझ में आ रही? सिमिलरली अगर मान लो हमें यहां पर फोर्थ है, हम माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स ले रहे हैं, तो क्या होगा? ये इस तरह से हो जाएगा, मतलब माइनस जो भी डालोगे तुम वैल्यू वो तो नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू जो भी आएगी वो क्या आएगी? नेगेटिव। क्या मैं इतनी बातें समझ में आ रही है? तो वाई तुम पॉजिटिव डालो, नेगेटिव डालो, जो भी आएगा एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा क्योंकि सामने नेगेटिव है। इतनी बातें समझ में आ रही है? मान लो एक मैं थोड़ा सा इसको एडवांस करता हूँ, ठीक है, तुम समझने की कोशिश करना, अच्छे से इसको बनाना। एक क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन, इसका ग्राफ तुमको ड्रा करना है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसका ग्राफ ड्रा करना है। किसका? देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका ग्राफ ड्रा करना है, ठीक है, ड्रा द ग्राफ। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो कैसे करोगे बताओ मुझे? ये y डैश है, ठीक है, और ये x डैश है और ये x है। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या है? ये उसमें 2 ऐड कर दो तो इसको शिफ्ट हो जाएगा। कितना शिफ्ट हो जाएगा? 2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो हम 2 यूनिट मानिए, तो ये 2 यूनिट जो हो जाएगा, ये 2 है, ये 2 यूनिट ऊपर की तरफ हो जाएगा। माइनस कर देते तो, माइनस 2 कर देते तो ये नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है, ओपेंस अप तो ऐसे ही होता लेकिन नीचे की तरफ आ जाता, ठीक है, ऐसे नहीं नीचे की तरफ, ऐसे टर्न हो जाएगा, ऐसे तो माइनस लगेगा तभी ये टर्न होगा, ठीक है, क्योंकि हम माइनस लगा दिए तो माइनस 2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिस्टेंस में तुमको अंतर समझ में आ रहा होगा, कोई नहीं, मान लो इसको, चलो इसको ऊपर कर देते हैं, लग भी रहा है 1 यूनिट है, भावनाओं को समझा कर, ठीक है। देखिए इधर ये जो है ना इस तरह से, क्या मैं इतनी बात समझ में, ऊपर चला जाएगा, इतना है क्लियर कंसेप्ट? तो इतनी बातें अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। ये पैराबोला का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तुमको, ज़्यादा माथा पूरी करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर मान लो प्रैक्टिकल तुमसे ये इक्वेशन दिया जाए, ये क्वेश्चन आता है एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, एक तुमने पढ़ा होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू अगर इनिशियल 0 है तो ये कुछ पैराबोला टाइप का इक्वेशन नहीं दिख रहा है। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ वाई का रोल प्ले कर रहा है, ए एस है, और ये टी है, तो टी क्या होता है? पॉजिटिव होता है हमेशा, तो इसका जो ग्राफ होगा कैसे होगा? ऐसे होगा, नहीं होगा कि नहीं? हमने एस इसको बनाया, टी इधर, अब टी नेगेटिव का तो चांस होता नहीं क्योंकि टी नेगेटिव होता नहीं, टी हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका ग्राफ किधर बनाओगे? इस तरह से स्ट्रेट लाइन। अब ए कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा चीज क्या है? कांस्टेंट है ये टी, मतलब वाई इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ इस तरह से बन गया। समझ में आ रही बात है? इतनी क्लियर है? तो आगे बढ़े, पैराबोला का यही कॉन्सेप्ट था, सिंपल सा तुमको बताना, बाकी हम और वहां पर पढ़ेंगे तो ये सब चीज समझेंगे। अब इन सब सारे जो मैथमेटिकल टूल्स है एक साथ इकट्ठा याद रखना है, नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, ये इतना संभव नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये जरूरी है कि आप थोड़ी थोड़ी बातें याद रखें और वहां पर जब इम्प्लीमेंट करें उसका, तो अब अचानक से तुमको पता ही नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगी ना, तो इसलिए जानकारी जरूरी है। अब चलो ये पैराबोला समझ में आ गया आपको, ठीक है, तो अब इलिप्स पर काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन आपको और डिटेल्स में इसके डायरेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब चीजें बताया जाएगा कॉनिक सेक्शन में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो अभी तो यही ठीक है, ओके।